आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। स्मार्ट सिटी की आय बढ़ाने में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर अहम भूमिका निभाएगा। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर विज्ञापन और अन्य आय के स्रोत भी खोजे जाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। स्मार्ट सिटी की आय के स्रोत विकसित करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। शहर भर में डाली गई यूटिलिटी डक्ट को निजी कंपनियों को किराए पर देने की तैयारी है। वहीं पानी और सीवर के जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, इन मीटर के जरिए होने वाली जलकल की आय में कुछ हिस्सा स्मार्ट सिटी को मिले, इसकी भी तैयारी की जा रही है। देखिए, हमारे जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि किसी प्रकार से जो वित्तीय स्थिति है हमारी कंपनी की, उसको कैसे मजबूत रखा जाए, वो कैसे स्वचालित हो आगरा स्मार्ट सिटी, इसके लिए हमने कुछ आय के स्रोत ढूंढे हैं। जैसे कि जो यूटिलिटी डक्ट है, तो यूटिलिटी डक्ट से किराए पे यदि हम लोग प्राइवेट कंपनीज को देते हैं तो उससे कुछ किराया मिल सके। इसके अलावा हम लोग पानी और सीवर, ये अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं पूरे एरिया में, 24 घंटा पानी मिलेगा, मीटर्ड वाटर, तो उससे जो रेवेन्यू मिलेगा जलकल विभाग को, वो रेवेन्यू कुछ हमारे साथ शेयर हो। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट और स्मार्ट पार्किंग जो होगा फतेहाबाद रोड और सभी मेजर रोड्स पे, उससे हमारी आय एक अच्छा स्रोत होगा हमारे लिए। इसके अलावा ICCC से हम लोग जो है पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ चालान काटते हैं, तो हमारा अनुरोध है पुलिस विभाग से, और हमने निदेशालय में भी इसके लिए गुहार की है कि जो स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जितने भी चालान होते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज हमको मिले रेवेन्यू का, ताकि हमारा जो ICCC है इसमें जो ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी उसको हम लोग मैनेज कर सकें। तो इस पर अभी विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई पॉलिसी भी लेकर आएगी, ताकि हम लोगों की जो वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर हम लोग फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। स्मार्ट रोड पर बनने वाली स्मार्ट पार्किंग और एडवर्टाइजमेंट भी स्मार्ट सिटी की आय के स्रोत होंगे। वहीं स्मार्ट सिटी की आय में सबसे ज्यादा भूमिका इंटीग्रेट कंट्रोल और कमांड सेंटर निभाएगा। इसके माध्यम से काटे गए वाहनों के चालान में भी जो आय होगी उसका 50% हिस्सा स्मार्ट सिटी को देने के लिए पुलिस निदेशालय को प्रपोजल भेजा गया है। कल 31 दिसंबर को हम लोग, जो हमारा ICCC प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, उसको गो लाइव करने जा रहे हैं। गो लाइव का अर्थ ये है कि हम लोगों ने शहर में जो 70% इक्विपमेंट्स जो लगने थे उसको लगा दिया है, और अब ये 3 महीने के ट्रायल फेज़ में जाएगा। ट्रायल फेज़ के दौरान पूरा ICCC जो है वो उसी प्रकार से फंक्शन करेगा जैसे आगे उसको करना है। इसका पर्पज़ ये है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो टेस्ट हो जाए, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, खास करके जो मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है, उसको एक प्रैक्टिस मिल जाए, और अगर कोई खामियां हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होने तो वो हम लोग कर सकें। इसके लिए कल हमने एक मीडिया ब्रीफिंग भी रखी है, ताकि हम लोग आप लोगों के माध्यम से शहर के सभी नगरवासियों को बता सकें कि स्मार्ट सिटी में क्या फ़ीचर्स है, चाहे वो ट्रैफिक के हो, क्राइम रिलेटेड हो, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड हो, या उनके लिए क्या और सुविधाएं हम लोग देंगे। तो ये कल का कार्यक्रम है, और 1 अप्रैल से विधिवत रूप से इसका ऑपरेशन जो है फिर शुरू होगा। उसमें कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से ये निर्देश मिला है विभाग को कि प्रदेश के जितने भी स्मार्ट सिटीज़ है, इनमें जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास होना हो या उद्घाटन होना हो या लोकार्पण होना हो, उनकी सूची मांगी गई थी, वो हमने कल ही उपलब्ध करा दी, और जनवरी में संभवतः पहले सप्ताह में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा, और उसमें ये जो कार्यक्रम होना था उसका वो लोकार्पण करेंगे। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महानगर में तमाम कार्य चल रहे हैं। नगर निगम में स्थापित किए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, जिसकी विधिवत शुरुआत नए साल से हो रही है। 3 महीने के ट्रायल फेज के बाद 1 अप्रैल से ये प्रॉपर रूप से कार्य करने लगेगा। इस कमांड सेंटर के माध्यम से महानगर के प्रमुख चौराहों और बाजारों पर सीधी नजर रखी जा रही है। इसकी मदद ने पुलिस से महानगर में हुई तमाम वारदातों के खुलासे भी किए हैं। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।